हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूं आपकी फ़्रेंड वर्षा आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनडीए नाइट के पेपर वन के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो कि हमारे डी आई डी आई से आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं और कम से कम दो से तीन डी आई आपके एग्ज़ाम में आते हैं और इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपको डी आई का चैप्टर बहुत अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि एक बहुत बड़ा वेटेज है इसका अगर आप इनके सारे क्वेश्चन करते हैं तो आप काफ़ी अपने मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं तो हम उस डी आई के क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे स्टार्ट करते हैं वीडियो को आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए फ्रेंड्स के शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा देखिए यहाँ पर मैंने चार्ट लिया है और क्वेश्चन भी दिए हैं आई होप अब आपको यहां पर अभी दिख रहा होगा देखिए क्वेश्चन देखते हैं देखिए यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिया हुआ है ये ग्राफ आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है अभी मैं इसको ग्राफ को और जूम कर दूंगी इसमें दिया हुआ है कि एक से पाँच तक क्वेश्चन हैं एक ग्राफ में और आपको एक डेटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है तो थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ मैं अब आप आपको दिख रहा होगा ठीक है अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन इस ग्राफ के अकॉर्डिंग पूछा है द डिफरेंस इन द सेल ऑफ सेलुलर फ़ोन्स यानी कि फ़ोन्स के बारे में है ये हमारे डी आई फॉर द ईयर टू थाउजेंड सेवन टू टू थाउजेंड नाइन यानी कि हमें बताना है कि दो हज़ार सात और दो हज़ार नौ में जो फ़ोन की सेल हुई थी उनमें क्या डिफरेंस है तो आप इजिली बता सकते हैं बताइए इसका आंसर ऑप्शन ये आपको गिविन है पहले से ये ऑप्शनस हैं जल्दी बताइए सॉल्व करके बहुत ही बेसिक है इस तरह का एक हो सकता है एक एक क्वेश्चन डाल दें आपके एग्जाम में वैसे तो इतना इजी भी नहीं आता है एवरेज हाँ सबसे ज़्यादा एवरेज पाँच क्वेश्चन आते हैं एक डी के अंदर एक क्वेश्चन एवरेज का उसमें ज़रूर देते हैं यानी कि आ, अगर आपने थोड़ा बहुत भी डी पढ़ा है तो आप एक से दो नंबर तो ज़रूर ला सकते हैं ठीक है ठीके? तो ये बहुत ही सिंपल है डिफरेंस पूछा है यहाँ पर कितना दो से दो में तो देखिए दो में कितना है अड़तालीस की सेल हुई है और दो में कितना है तीस हजार बहुत ही सिंपल है इनको आप माइनस कर दो अड़तालीस में से तीस गए कितने बच्चे अठारह हज़ार ऑप्शन कितना हो जाएगा डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है अठारह हजार यूनिट का डिफरेंस है दोनों सालों में ठीक है सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं अब देखिए यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन देखिए हिंदी इंग्लिश में डीआई में करने में प्रॉब्लम होगी क्योंकि आपको मुझे इमेज भी दिखानी है तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए मैं हिंदी में डिस्क आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ क्वेश्चन क्योंकि इसकी इंग्लिश भी मैंने बहुत इजी रखी है तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी देखिए द टू ईयर्स बिटवीन विच द रेट ऑफ चेंज ऑफ सेलुलर फ़ोन्स हैज़ बीन मिनिमम आर यानी कि आपको कोई ऐसे दो साल बताने हैं जिनके बीच में जो हमारा रेट ऑफ चेंज है फ़ोन का वो मिनिमम है यानी कि कम से कम है दो हज़ार सात से आठ तो सात से आठ देखिए अड़तालीस से चालीस हज़ार दो हज़ार नौ से दस में कितना है तीस से पच्चीस हज़ार यानी कि यहाँ पे तो आठ का डिफरेंस आ गया यहाँ पांच का डिफरेंस बोथ थे एंड भी बोथ थे एंड भी हो गया या फिर दो हज़ार ग्यारह से बारह ग्यारह से बारह में देख लो कितना है यहाँ तो ज़्यादा डिफरेंस है बताइए बहुत ही सिंपल है परसेंटेज दे रखा है ओके 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 आपको परसेंटेज निकालना है रेट ऑफ चेंज है ना तो आपको परसेंटेज यानी कि सॉल्व करना पड़ेगा फिर तो चलिए सॉल्व करिए जल्दी से करें देखिए 2007 से 8 में कितना डिफरेंस आ रहा है 8000 का तो इस तरह से सॉल्व करिए 8000 डिवाइडेड बाय कितने में से कर रहे हैं आप ये 2007 से 8 का कंपेयर कर रहे हैं ना तो 7 का देखिए 48000 हजार मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड इससे ये कट गया 480 से इसको काटेंगे दो से काटेंगे इसको तो इसका जो आंसर निकलेगा पॉइंट सिक्सटी सिक्स ठीक है यानी कि फर्स्ट का आंसर निकला है सोलह पॉइंट छियासठ अब देखिए ऐसे दूसरे का निकालिए आठ से नौ में आठ से नौ का डिफरेंस कितना आ रहा है दस हज़ार का और हमें बेस में क्या लेना है चालीस हज़ार मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड कर लीजिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हंड्रेड मल्टीप्लाई है ठीक है वहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैंने लिख दिया है आप सही से लिखिएगा दस हज़ार का डिवाइड किया चालीस हज़ार से मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड तो ये यह सीधे यहाँ से जीरो से जीरो कट गए चार सौ से दस हज़ार को काटेंगे तो हमारा पच्चीस परसेंट आ गया तो ये तो और ज़्यादा हो गया ठीक है हम निकालते हैं दो हज़ार नौ से दस में तो तीस हज़ार से पच्चीस हज़ार में कितने का अंतर आ रहा है हमारा 5000 हज़ार डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा तीस हज़ार मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड तो तीस हज़ार में इस पहले तो हू हं, जीरो हंड्रेड से काट है अब बचा यहाँ पे तीस तीस से प, 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 पाँच हज़ार को काटेंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा अगेन सिक्सटीन पॉइंट सिक्सटीन सिक्स ठीक है तो ये तीन साल का हो गया है नोट कर लीजिए पहले साल में सोलह पॉइंट छियासठ फिर आया पच्चीस परसेंट फिर वही सोलह पॉइंट छियासठ तीन साल का हमने निकाल लिया अभी हम और निकालते हैं हमें निकालेंगे दो हज़ार दस से दो हज़ार ग्यारह का तो दो हज़ार दस से दो हज़ार ग्यारह में कितना अंतर आ रहा है सात हज़ार का बेस में हम क्या लेंगे पहला वाला साल यानी कि प्रीवियस ईयर तो ये हो गया हमारा पच्चीस हज़ार पच्चीस है ये ठीक है पच्चीस हज़ार मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड अब इसको सॉल्व करो जीरो से ये जीरो कट गया पच्चीस सौ से सात हज़ार को काटेंगे तो यहाँ पे हमारा निकल कर आ जाएगा अट्ठाईस परसेंट ये तो और ज़्यादा है जबकि मैं मिनिमम निकालना था ठीक है तो अब देखिए फिर से यहाँ पे दो हज़ार ग्यारह से बारह में अट्ठारह से चालीस कितना हो गया बाईस हज़ार का डिफरेंस है बेस में हमें प्रीवियस ईयर लेना है तो ये अठारह हज़ार आ गया मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड जीरो से जीरो कट गए अठारह सौ से बाईस हज़ार काटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा ये तो बहुत ज़्यादा आएगा एक सौ बाईस पॉइंट बाईस परसेंट ठीक है तो यहाँ पर हमें क्या लेना था मिनिमम तो देखिए 2007 से 8 की बात करें तो वहाँ भी सोलह पॉइंट छियासठ आया था और 2009 से 10 की बात करें तो वहाँ भी सोलह पॉइंट छियासठ आया था यानी कि दोनों का बराबर था तो हम ये कहेंगे कि ऑप्शन सी जो है बोथ ए एंड बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ठीक है होप यहाँ पे क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा सेकेंड थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं देखिए यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन द सम ऑफ सेल ऑफ सेलर फोन्स इन द ईयर टू थाउजेंड नाइन टू थाउजेंड इन इक्वल टू यानी कि 2009 और 2011 जो है उसका अगर हम अप करें तो वो किसके बराबर होगी 2007, 8, 10 या 12 बताइए बहुत ही है? सिंपल है सॉल्व करिए जल्दी एड करना है आपको 2009 और 2011 की 2009 में कितना है तीस हजार और 2011 में कितना है आपका अठारह हजार टोटल कितना हो गया अड़तालीस हजार ठीक है अब आपको ये देखना है कि ये किससे मैच कर रहा है 2007 से क्योंकि 2007 में 48,000 है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए बहुत ही सिंपल था आज हम सिंपल करा रहे हैं वैसे हम वही क्वेश्चन कराएंगे इतने सिंपल सच में आपके एग्जाम में नहीं आते हैं बहुत पहले आते थे अब नहीं आते हैं फिर भी आप हमारा ये पहली क्लास है तो आप आज ये क्वेश्चन कर लीजिए देखिए द परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स फ्रॉम 2011 एंड 2012 हजार बाद कितना इंक्रीज हुआ है सेल 2011 से बारे में इंक्रीज इन सेल 2011 से बारे में 2011 में कितनी है 18 और दो में कितनी हुई है हमारी 40 इन दोनों का डिफरेंस देखें तो कितना आ रहा है बाईस हजार और परसेंटेज निकालते हैं तो क्या किस तरह से निकालेंगे जो भी हमारा डिफरेंस है वो बेस में हम यानी कि डिवाइड करेंगे उससे हमारा बेस जो है बेस क्या था यहाँ पे हमारा दो हजार ग्यारह क्योंकि ग्यारह से ही तो हमें कंपेयर करना है दो हजार बारह को तो हम यहाँ पर लिख देंगे अट्ठारह हजार मल्टीप्लाई बाय लिख देंगे हंड्रेड तो यहाँ से जीरो से ये जीरो कट गए अब बचे अठारह सौ अठारह सौ से आप बाईस हज़ार माइनस कीजिए तो यहाँ पर आपका ये कितना निकल कर आ जाएगा एक सौ बाईस परसेंट ठीक है सॉल्व करके देखिएगा ऑप्शन से यहाँ पे हमारा करेक्ट है ठीक है नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन वॉट इज़ द एवरेज सेल्स फिगर ऑफ ऑल द ईयर्स सभी का हमें फिगर यहाँ पे आ, एवरेज लेना है बहुत ही सिंपल है अड़तालीस हज़ार प्लस चालीस हज़ार प्लस तीस हज़ार प्लस पच्चीस हज़ार प्लस अठारह हज़ार प्लस चालीस हज़ार इन सबको क्या करना है आपको ऐड करना है कितना हो गया चार चार आठ ये हो गया हमारा दो लाख एक हज़ार ठीक है और कितने साल हैं एक दो तीन चार पाँच छ छः साल हैं छः से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा तीन से जाएगा पहले ये तीन अठारह फिर आ जाएगा हमारा अगेन थ्री अठारह ये हो जाएगा हमारा पाँच ठीक है हमारा आंसर आएगा तैतीस हजार पाँच सौ ठीक है यानी कि तैतीस हजार पाँच सौ यूनिट्स हैं हमारी एवरेज सेल अगर हम बात करें पूरे साल की तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं हम ये कह सकते हैं एवरेज आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आएगा ठीक है दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं अब क्वेश्चन टू है देखिए यहाँ पर पहले ये ग्राफ देख लीजिए अच्छे से इसमें कहा गया है कि छः से दस तक आपको क्वेश्चंस हैं और इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो पास हैं वो थाउजेंड में दिए हुए हैं दो यूनिवर्सिटी से, 2003 से कर, दो हजार तीन से अठारह को लेकर ठीक है दो यूनिवर्सिटी दी हुई हैं 2003 का डेटा है 2018 से वो सॉरी 2008 से आठ तक ठीक है अब देखिए क्वेश्चन अगेन क्वेश्चन को नहीं देख पाओगे इसलिए मैंने यहाँ पे जूम आउट कर दिया है अब देखो वॉट इज़ द सम ऑफ स्टूडेंट्स पासिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी बी इन टू थाउजेंड थ्री टू थाउजेंड फाइव एंड सिक्स यानी कि आपको बी यूनिवर्सिटी का डेटा लेना है दो हजार तीन पाँच और छः का अभी हम आंसर बाद में देखेंगे पहले आप चार्ट देख लीजिए क्योंकि चार्ट देखना बहुत ज़रूरी है देखिए यूनिवर्सिटी बी बी कौन सी है जो यहाँ पे डार्क दी हुई है ठीक है तो वो यूनिवर्सिटी बी का डेटा है उसमें आपको 2003 5 और 6 का सम अप करनी है बताइए जल्दी सॉल्व करिए दो हज़ार तीन में कितना है इनका तीस हजार दो हज़ार में कितना है दस हज़ार दो हज़ार में कितना है चालीस हज़ार यानी कि तीस हज़ार फिर है हमारा दस हज़ार फिर है हमारा चालीस ये कितना हो गया अस्सी और मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे जो हमें स्टूडेंट्स दे रखे हैं वो किस में दे रखे हैं थाउजेंड में तो अस्सी हज़ार हो गए देखिए ऑप्शन में अस्सी हज़ार है यस yes. तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा राइट right आंसर हो जाएगा अस्सी हज़ार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं वॉट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि आपको यहाँ पे देखिए अब मैं हिंदी में बता रही हूँ इंग्लिश में आप लोग पढ़ लीजिए जो भी इंग्लिश स्टूडेंट हैं यहाँ पर आपको रेशियो बताना है जो भी स्टूडेंट्स पास हुए हैं यूनिवर्सिटी ए से दो हज़ार सात में और यूनिवर्सिटी बी जो पास हुई है दो हज़ार चार में यानी कि दो हज़ार ए दो हज़ार सात में यूनिवर्सिटी ए को ए का रेशियो और 2004 में यूनिवर्सिटी बी का रेशियो जितने भी स्टूडेंट्स पास हुए हैं उसका रेशियो बताना है आपको तो ये पास के हैं 2007 में यूनिवर्सिटी ए में देखिए कितने पास हुए हैं 2007 में यूनिवर्सिटी ए में हुए हैं हमारे पचास हज़ार स्टूडेंट्स पास और यूनिवर्सिटी बी की बात करें तो दो में हुए हैं ये पैंतीस हज़ार क्योंकि देखिए तीस से ये पैंतालीस के बीच में है तो हम पैंतीस हज़ार मानेंगे तो ये हो गया सॉरी एक मिनट रफ़ कर देती हूँ थाउजेंड को हम बाद में लेंगे डायरेक्ट लिखते हैं पचास हज़ार और पैंतीस थाउजेंड हमें पता ही है अंडरस्टूड है कि हज़ार में है ये ठीक है अब देखिए इसका रेशियो निकालना है तो जी हम रेशियो इसको कैसे निकालेंगे पाँच से कट सकता है ना ये फाइव टेन या फिफ्टीन और फाइव सेवन या थर्टी फाइव और इससे ज़्यादा ये कटेगा नहीं क्योंकि रेशो जब हम निकालते हैं तो सबसे हम तब तक हम उसको काटते हैं जब तक वो एक छोटी संख्या नहीं बन जाती या फिर जब तक वो कटती है तब तक हम उसको काटते हैं लेकिन अब हमारे पास कोई भी ऐसी डिजिट नहीं है जिसमें टेन और सेवन दोनों आता हो इसलिए यहाँ पर हमारा रेशो क्या बनेगा टेन इस टू सेवन ऑप्शन में है टेन एस टू सेवन यस ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर है बहुत ही सिंपल है समझ में आ रहा है ना नहीं आ रहा तो प्लीज़ बताइएगा हम डी को और भी अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है uh, हिंदी में बता रही हूँ मैं इंग्लिश में आप पढ़ लीजिएगा अगेन uh, यहाँ पर हमें यूनिवर्सिटी बी से जो भी स्टूडेंट्स हैं 2008 में उनका अप्रॉक्सीमेट बताना है कि वो कितना परसेंटेज है जो भी ओवरऑल जितने पूरे साल में यूनिवर्सिटी ए में पास हुआ यानी कि यूनिवर्सिटी ए के सब पूरे साल के बच्चों का के साथ हमें यूनिवर्सिटी बी के 2008 के बच्चों का अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज निकालना है ठीक है अब पूरे साल का पहले तो आप एवरेज ले लीजिए स्टूडेंट का यूनिवर्सिटी ए का बताइए सॉल्व करिए देखिए यूनिवर्सिटी ए का है पहले है बीस ठीक है फिर है यहाँ पर पच्चीस दो हजार में है यूनिवर्सिटी ए का तीस फिर है दो हजार में पचास फिर है दो हजार सात में अगेन पचास और 2008 में है 30 अब इसको ऐड कर लीजिए कितना होगा कितना हो गया ये 225 यानी ओवरऑल ईयर्स में जो स्टूडेंट्स पास हुए हैं वो दो हज़ार हैं ठीक है हम 225 और रिक्वायर्ड परसेंटेज अब हम यहाँ पे किसकी निकालनी थी 2008 का यूनिवर्सिटी बी 2008 का यूनिवर्सिटी बी का कितना है हमारा इन द ईयर 2008, 2008 का निकालना है तो देखिए यहाँ पर 50 बी का है हमारा 50, ठीक है ये बी का कितना हो गया पचास तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं जो भी हमारा बीस बेस ईयर कौन सा लिया है बेस है हमारा यहाँ पे यूनिवर्सिटी ए यानी कि हमें यूनिवर्सिटी ए से कंपेयर करना है उसका परसेंटेज तो ये हो जाएगा हमारा 50 डिवाइडेड बाय 225 और आप सबको पता है परसेंटेज निकालते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये कितना हो जाएगा इसको काटो ये कटा हमारा अगर हम 50 से 25 से काटते हैं और ये कटेगा हमारा ठीक है तो इसका यहां पर अगर हम इसको करें तो फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा बाईस 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 पॉइंट बाईस यानी कि यहाँ पर हम बात करें तो इसका जो अप्रॉक्सीमेटली परसेंटेज है वो बाइस परसेंट है क्योंकि बाईस है यहाँ पे तो अप्रोक्सीमेट हम बाईस मान के चलेंगे अप्रोक्सीमेट पूछा है तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा हमारा बी हो जाएगा बाईस परसेंट ठीक है नेक्स्ट है वॉट इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पासड इन दर टू थाउजेंड सेवन एट फाइव एंड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ए अच्छे से देखिए आप क्वेश्चन यूनिवर्सिटी ए का आपको रेशियो निकालना है दो हजार सात आठ और पांच में दो हजार सात में कितना है यूनिवर्सिटी ए का पचास दो हजार आठ में है हमारा यूनिवर्सिटी ए का तीस और दो हजार पांच में कितना है पचास तीस तीस है तो अब ये किससे कटेगा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं देखिए पचास तीस तीस की बात करें तो एक तरह से हम इसको ऐसे कर सकते हैं पहले फाइव से काटेंगे आप कैसे भी कर सकते हैं आप ऐसे कर सकते हैं टेन सिक्स और सिक्स और ये फाइव से काट सकते हैं फिर या टू से फाइव थ्री थ्री तो हमारा ओवरऑल क्या निकल कर गया पाँच तीन तीन देखिए है यस ऑप्शन बी में है फाइव थ्री थ्री ये हमारा इसका रेशियो निकल कर आ गया है ठीक है नेक्स्ट है ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो अच्छे से देखिएगा। अब आपको डिफरेंस बताना है यहाँ पर दोनों यूनिवर्सिटी का 2007 में क्या डिफरेंस है और टोटल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जो पास हुए हैं दोनों यूनिवर्सिटी में टू में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास इन टू थाउजेंड सेवन की बात करें तो कितना होगा पचास और साठ कितना हो गया हमारा एक सौ दस दो हजार सात की बात करें दो हजार पांच की बात करें तो कितना हो जाएगा तीस ए यूनिवर्सिटी का है और यहाँ पर अगर हम बात करें तो दस यूनिवर्सिटी बी का है तो तीस और दस कितना हो गया हमारा बताइए चालीस हो गया अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है बहुत ही सिंपल है इनको माइनस कर दो कितना आ जाएगा आंसर सत्तर ठीक है और ये आपको पता है हम थाउजेंड में बात करते हैं यहाँ पर तो हमारा कितना हो जाएगा सत्तर हजार सिंपल था बहुत ही सिंपल डी आई थे ये स्टार्टिंग का क्वेश्चन थे इसीलिए हम धीरे धीरे जो प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं क्वेश्चंस डीआई से उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे होप यहाँ पर आपको काफ़ी क्वेश्चंस या फिर एक डीआई का पैटर्न आपको समझ में आया होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको डीआई में बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइएगा कि आपको ये जो डी है इसमें ये इतने लेवल तक आपको समझ में आता है या नहीं क्योंकि जब तक आपको ये बेसिक चीज़ें नहीं समझ में आएंगी हम आगे नहीं कर सकते क्योंकि इस तरह ये एक तरह से बहुत ही सिंपल है आपके एग्जाम के के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम में थोड़ा टफ़ चीज़ें पूछी जाती हैं मतलब टफ नहीं होती हैं बट क्वेश्चन को इस तरह घुमा दिया जाता है बस आपको क्वेश्चन समझने की देर है अगर आप क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हैं तो आप ईजिली उसको सॉल्व कर सकते हैं तो बस क्वेश्चन समझने में टाइम जाता है ठीक है तो हम काफ़ी प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि आप ईजिली क्वेश्चंस को समझ पाए और कम टाइम में अपना पेपर सॉल्व कर पाए ठीक है तो होप यहाँ पर आपको वीडियो पसंद आया होगा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड्स के, के शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय